जरूरी नहीं जो चीज जैसी दिखे वे अंदर से वैसी ही हो, और इस बात की पुष्टि करता है डोंबिवली का ये घटना, जहां पर सोना कम कीमत पर मिलने के कारण इस बिल्डर ने 3 करोड़ रुपए का सोना खरीदा, लेकिन जब वो घर आया तो सोने जैसा दिखने वाला सामान पीतल का निकला। यांना दाखवलं गेलं असे कॉइन्स, आणि मग त्यांना सांगितलं गेलं की हे, मग त्यांनी चेक केले तर हे खरे निघाले, म्हणून मग परत त्यांनी जवळपास 3 करोड़ रुपये दिले आणि त्याच्या बदल्यात काही कॉइन्स घेतले। पण सुरुवातीला दिलेले कॉइन्स खरे असतात टेस्ट करायला, पण नंतर दिलेले कॉइन्स हे पितळेचे किंवा इतर धातूचे कॉइन्स असतात। और इसके बाद बिल्डर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बिल्डर दौड़कर पुलिस के पास गया और उसे सारी बात बताई। पुलिस ने जांच का फोकस हटा दिया और 2 महीनों में ही गुजरात और मध्य प्रदेश के बिल्डर को लूटने वाले भामटाओं को जंजीर से बांध दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ से अधिक नगद भी बरामद किया है। आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर और वसई विरार कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच जोन 2 यूनिट ने 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक बिल्डर को कम दाम में ज्यादा सोना देने का लालच देकर लूट लिया था। आरोपी ने 18 अप्रैल को बिल्डर को 70 किलो नकदी सोना दिया था और उस सोने के एवज में आरोपी ने बिल्डर से लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपए ऐंठे थे, और पैसा लेते ही सभी आरोपी फरार हो गए। क्राइम ब्रांच ने इस मामले के 3 आरोपियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ 19 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं। ये 3 आरोपी गुजरात बड़ौदा के रहने वाले हैं। आरोपी पहले नागरिकों को असली सोना देकर लुभाते हैं, फिर उन्हें नकली सोना देकर ठगते हैं। पुलिस ने आखिरकार उसकी हरकतों की पुष्टि कर ही दी है और अभी सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। त्यांच्याकडून या गुन्ह्यात त्यांनी जी रक्कम लंपास केली होती, त्या रकमेपैकी 2,18,95,000 रुपये एवढी मोठी रक्कम चोरीला गेलेली ही हस्तगत केलेली आहे। अशा प्रकारे अत्यंत चिकाटीने गेले 2 महिने या आरोपींचा माग काढून तांत्रिकदृष्ट्या तपास करून, आणि त्यांनी जे पुरावे सोडले होते, त्यांचे जे फोन नंबर असतील किंवा काय, त्यांचा तांत्रिक तपास करून आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलो आहोत। यांनी या गुन्ह्यामध्ये हे आरोपी गुप्त बातमीदारांचा देखील याच्यामध्ये आपल्याला बराच फायदा झाला। अशा प्रकारे आपण आरोपी अटक केलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून हा मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे। तर ही डिटेक्शनची ही चांगली बातमी आहे, त्याचबरोबर हा नागरिकांसाठी सतर्कतेसाठी देखील महत्त्वाचं आहे की अशा प्रकारे कोणी फसवणुकीला बळी पडू नये। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योती यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।